हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की और देखेंगे इसकी प्राइस, इसके लॉन्च डेट, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं सी और आप देख रहे हैं अमेज़न शॉप। पे आता है Xiaomi Redmi 10X Pro। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 है, डिस्प्ले इसमें 6.57 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 48+8+8+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4520 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है ZTE X120। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 765G है, डिस्प्ले इसमें 6.92 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका OLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 2TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4220 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 23,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 23,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ZTE इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Realme X7 Pro। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ है, डिस्प्ले इसमें 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 23,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 23,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 22 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Huawei Enjoy 20। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 है, डिस्प्ले इसमें 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 13+5+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Huawei इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Meizu 17। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+12+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपए।
हो सकता है मोबाइल इंडिया में 35,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं मीजू इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कमिंग मोबाइल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।